शब्द निकला शक्ति प्रदर्शन, तो कोई और भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। दरअसल परसों तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होने के बाद जोधपुर में धन्यवाद रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मानवेंद्र के धन्यवाद रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर इस धन्यवाद रैली का मकसद क्या है। जरा 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में अधिक से अधिक सीटें दिलाने के लिए प्रयास कर रहे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह धन्यवाद रैली के जरिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने ऐसा शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं जो यादगार तो रहे ही, लेकिन साथ ही इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाभ दिलाने के लिए भी अहमियत रखे। मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से धन्यवाद रैली के लिए तारीख मांगी है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी की ओर से तारीख नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि दीपावली के बाद धन्यवाद रैली का आयोजन हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे मानवेंद्र सिंह जोधपुर में धन्यवाद रैली आयोजित करने जा रहे हैं। राजपूतों को एकजुट करने के उद्देश्य और खुद की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बुलाई जा रही इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इस रैली में स्वाभिमान सभा के जुड़े बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। मानवेंद्र सिंह ने पत्नी चित्रा सिंह के साथ 17 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामा था। हालांकि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और पार्टी को यकीन है कि विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। वहीं मानवेंद्र की धन्यवाद रैली के बाद मारवाड़ के राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।